विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000। आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोज़ इतवार यानी संडे बतारीख 23 अक्टूबर का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इंडिया की बेहतरीन जीत। इंडिया टीम जीतने के बाद शहर हैदराबाद में नौजवानों के दरमियान खुशी की लहर देखी गई और हैदराबादियों ने इंडिया इंडिया के बुलंद नारे लगाए। कई फैंस सड़कों पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जीत पर खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। देखिए इसके कुछ शानदार मनाजर। T20 वर्ल्ड कप मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच में इंडिया को मिली जबरदस्त जीत। विराट कोहली के जबरदस्त खेल से इंडिया को मिली जीत। पाकिस्तान के खिलाफ 53 बॉल्स पर नॉट आउट, 82 रन की शानदार इनिंग के साथ 4 विकेटों से फतेह हासिल किए। वाज रहे पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 159 रन बनाए। आखिरी बॉल पर ताखुब मुकम्मल किया गया। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अपने इनिंग के खौफनाक आगाज के बाद ज्यादातर स्कोर किए। दोनों ने चौथी विकेट के लिए 113 रन की शराकत के साथ हिंदुस्तान को बहाल किए, जब वो एक मरहले पर 31-4 पर दायर हो गए थे। मधुमक्खी के हमले के सबब एक शख्स की मुकामी हादसे पर हुई मौत और 2 अफराद जख्मी हुए। ये वाकया बाबेरा चेलुका गांव के कुकटपली मंडल में पेश आया। मौता के दौरान कुकटपली पुलिस ने कहा, मधुमक्खी के हमले के सबब मरने वाले शख्स की पहचान बोलामपली बापू जो 62 साल के थे मंचेरियल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया गया ये 3 अफराद लाश की आखिरी रसूमात करते दौरान कोंदा पारदा चंद्राकांत के इलाके गलती से मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाए, जिसके सबब एक शख्स की मौत हुई और 2 अफराद जख्मी हुए, जिसमें से एक शख्स को चेन्नूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है हॉस्पिटल में इलाज के बाद। पंजागुटा पुलिस ने 20 लाख रुपए गैर कानूनी कैश जब्त किए। 2 अफराद की जानिब से हफ्ते की रात के वक्त पुलिस ने कहा। पुलिस के मुताबिक एक खास टीम तश्कील दी गई थी जो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी पंजागुटा पुलिस स्टेशन की जानिब से लीड की जा रही थी। सुमाजगुड़ा पार्क होटल के इलाके गाड़ियों की तलाशी के दौरान कार से गैर कानूनी 20 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। 2 अफराद की जानिब से जिसे जब्त कर लिया गया। टेंशन की लहर देखी गई शादनगर रंगारेड्डी के इलाके जहां चड्डी गैंग नजर आई। वाज रहे चड्डी गैंग के अफराद एक घर को निशाना बनाते हुए घर में मौजूदा लोगों का बेरहमाना अंदाज में कत्ल करके घरों को लूटते हैं। बताया जा रहा है चड्डी गैंग के कुछ मेंबर्स माई होम वेंचर परगी रोड पर देखे गए। सीसीटीवी सर्वेलेंस पर उनकी तस्वीरें कैद किए गए। सीसीटीवी फुटेज में 4 अफराद देखे गए चड्डी गैंग के तेजधार हथियारों के साथ, जिसके बाद मौजूदा आवाम के दरमियान खौफ की लहर दौड़ गई। मुकामी आवाम फौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किए और सीसीटीवी फुटेज की तलाशी किए, जिसमें चड्डी गैंग के अफराद देखे गए। मुत्तराजो मादे पागुड़ा विधानसभा क्षेत्र तुमकूर जिला ई रोजो मेमो कर्नाटक गुंडलपेट नुंडि रायचूर दाका 23 दिनालु मन महात्मा मन राहुल गांधी नेतृत्व में भारत जोड़ो पादयात्र नड़स्तुंदि। ई ओक पादयात्रकि प्रति ओक्क स्टेट नुंडि మన నాయకులు మన కార్యకర్తలు రాహుల్ గాంధీని అద్దూరంగా స్వాగతం చేసుకుంటున్నారు. అదే రీతి ఈరోజు మేము రాయచూరు ఇడిసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పాదార్పణ చేస్తున్నాము. అక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ వాళ్ళు మా రాహుల్ గాంధీ గారిని అద్దూరంగా స్వాగతం చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఒక భారతదేశం ఐక్యత చేసేదానికి సుమారు 150 దినాలు ఐదు నెలలు మన రాహుల్ గాంధీలు ఒక్క దినానికి వచ్చి 20 నుండి 25 కిలోమీటర్ల దూరంగా పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఈ ఒక్క పాదయాత్రకి ఇడీ దేశంలో ఉన్న నాగరికులు ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం వ్యక్తి వ్యక్తపరుస్తున్నారు సార్.